डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर उपमंडल रेलवे चिकित्सालय चरोदा और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन चरोदा के रेलवे हॉस्पिटल में किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में उपमंडल रेलवे चिकित्सालय चरोदा और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के पूर्व डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर जैन ने की। आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान भी किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा में रक्त उपलब्ध करवाना एकमात्र उद्देश्य है, ताकि जरूरतमंद लोगों की एक नहीं कई जिंदगियों को बचाया जा सके। सभी रक्त वीरों ने राष्ट्र के संविधान निर्माता डॉक्टर साहेब की जयंती पर रक्तदान महादान कर पुण्य कमाते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। जी भाव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें कि 43 यूनिट हो गए अभी तक। किस लिए रखा गया ये ब्लड डोनेशन? ये हम जब हमारे स्टाफ को जरूरत पड़े तो ब्लड बैंक में स्टोर रहता है, तो इमरजेंसी में उनको ब्लड दे सकेंगे। किस उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया? अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट कैंप रखा है, ये हर साल है, हमारा ये 9वां साल है। ठीक। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सब डिविजनल हॉस्पिटल PMY की ओर से यह कैंप आयोजित किया गया, जिसमें मित्तल हॉस्पिटल से ब्लड डोनेट करने के लिए एक टीम भेजी गई है। और हमारा उद्देश्य यह है कि जन कल्याण के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का आदान प्रदान और समाज में हो, और उनके बताए गए नीति नियमों पर हम मार्गक्रमण करें और अपने मूल्यों को सुरक्षित रखें। बहरहाल इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस पदाधिकारियों सहित रेलवे कर्मी बड़ी संख्या में शामिल रहे। ACN न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।